हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन से अपने घर बैठे बिहार बोर्ड क्लास 10th स्क्रूटनी या RTI के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और आपके पास क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जो मैंने कल अपलोड किया था, तो आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा डिटेल्स के साथ आपको वहां से देखने को मिल जाएगा कि आपको क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका मार्क्स भी बताया गया है कि आपको बढ़ सकता है या घट सकता है, पूरा डिटेल्स के साथ। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आई एम समीर एंड मस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या न्यूज आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पे हम अपने क्रोम ब्राउजर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आप कैसे अपने मोबाइल फोन से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे और सिंपल आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां डाल देना है फ्रेंड्स, मैं जैसा मैं लिख रहा हूं बिहार बोर्ड ऑनलाइन, सिर्फ आपको लिखना है इतना। ऑनलाइन लिखने के बाद सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड ऑनलाइन उसके बाद .com सिंपल आपको इतना लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com उसके बाद सिंपल आपको सर्च आइकन पे क्लिक कर देना है। सर्च आइकन पे क्लिक करने के बाद आपका जो इसका ऑफिशियल पेज है यानी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट, उसका इंटरफेस आपको इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिएगा यहाँ पे कि RTI रजिस्ट्रेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 स्टूडेंट ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल आपको RTI रजिस्ट्रेशन सेकेंडरी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इसका पेज कुछ इस तरह ओपन होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। सिंपल इसको स्क्रॉल करना है फ्रेंड्स और स्क्रॉल करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाएगा कि फॉर स्क्रूटनी एंड RTI, यहाँ आपको लास्ट डेट दिखाएगा, ठीक है फ्रेंड, स्क्रूटनी लास्ट डेट आपको दिखाएगा और शुरुआती डेट यानी 29/5 यानी आज से शुरू हो रहा है और 12 तक इसका लास्ट डेट हो जाएगा। देखिएगा RTI डेट लाइव टिल 3 मंथ्स फॉर रिजल्ट पब्लिशिंग, यानी रिजल्ट जब पब्लिश किया गया उसके 3 महीने के भीतर का, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा बोर्ड में आपको जैसा है वैसा रहने देना है, ईयर भी आपको उतना ही रहने देना है और एग्जाम टाइप भी आपको एनुअल एग्जाम ही रहने देना है, बस आपको चेंजिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो रोल कोड, तो यहाँ पे अपना रोल कोड डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे, चलिए मैं रोल कोड डाल के आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको रोल कोड डाल लेना होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना रोल कोड, उसके बाद स्क्रॉल करिएगा, उसके बाद आपका रोल नंबर, फिर स्क्रॉल करके आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपने स्टूडेंट का जो आपका नाम है, जैसा नाम है स्टेप सिम जिस तरह आपका नाम है मार्कशीट पे एडमिट कार्ड पे सेम टू सेम आपका नाम यहाँ पे वैसा ही लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ यूजर नेम आप लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मेरा नाम समीर है तो मैं समीर में यूजर ID कैसे बनाऊंगा फ्रेंड, तो समीर लिख दीजिएगा SAMIR और उसके बाद आपको 1 2 3 इस तरह आप दे दीजिएगा, ये यूजर नेम बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, फिर समीर लिख दीजिएगा पासवर्ड और उसके बाद 2 3 और उसके बाद @ आप डाल दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, फिर आपको समीर 1 2 3 @ आपको कन्फर्म यहाँ कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको रजिस्टर पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं पूरा फिलअप कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पूरा डिटेल्स यहाँ फिल कर लिया है, रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नाम, उसके बाद देख लिए यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड कर, सिंपल हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, देखिए आपका गलती हुआ है कि पासवर्ड कैन नॉट कंटेन यूजर नेम, ठीक है फ्रेंड्स, पासवर्ड यूजर नेम नहीं होना चाहिए। देखिएगा पासवर्ड कैन नॉट कंटेन 1 2 3 न्यूमेरिक सीरीज सिक्वेंस में आपको नहीं है, चलिए मैं इसको सुधार ले रहा हूँ। फ्रेंड्स आप अपना पासवर्ड सिलेक्ट करके देखिए फ्रेंड्स आपको हम बता दें पासवर्ड कितना आपको यूजर नेम डाल दीजिएगा, जैसे हम बताए पासवर्ड में आपको जो यूजर नेम आप डालिएगा उससे अलग आप पासवर्ड बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया था मंजीत 123,
तो आप का बनाइएगा उसके अलावा दूसरा नाम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम समीर है तो मैं आप समीर बना दे रहा हूँ, तो आप मंजीत बना लिए तो मंजीत मत बना के आप का कीजिएगा दूसरा नाम आप पासवर्ड के रूप में तैयार कर सकते हैं। जैसे ही उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कूटनी और अप्लाई फॉर RTI को आपको मिलेगा। अगर स्कूटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, स्कूटनी पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही स्कूटनी पे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां आपका पूरा डिटेल्स शो करने लगेगा। तो चलिए मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स मेरा शो करने लगा, मेरा मार्क्स कितना आया था, मेरा मार्क्स भी यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पेज बताएगा, नोट में आपको दिखाया गया है कि इन केस ऑफ फी डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट एंड वी हैव पेमेंट फेल्योर मैसेज, प्लीज वेट 24 to 48 hours फॉर पेमेंट रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये हुआ कि आपका अगर पेमेंट अगर कट जा रहा है, आप पैसा पे कर दे रहे हैं, तो अगर आपका फेलियर हो रहा है पेमेंट, तो क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा उसके लिए आपको 24 से 48 घंटा तक आपको वेट करना होगा, और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पेमेंट कट गया होगा तो। अब बताते हैं आपको पेमेंट कैसे करना है और कैसे अप्लाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपका हिंदी में अप्लाई करना है, सिंपल आपको देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बता, अगर आपको हिंदी में अप्लाई करना है तो क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ अप्लाई करके सिंपल आपको क्या करना है, जो यहाँ पे नॉट अप्लाइड दिखा रहा है, जिस विषय में आपको अप्लाई करना है सिंपल उस विषय पे आपको देखिए नॉट अप जहाँ रेड आइकन दिख रहा है सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अप्लाई हो गया। उसके बाद एक और सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी हमको अप्लाई करना है, अप्लाई हो गया। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अब पेमेंट बताया गया कि आपसे पेमेंट कितना लिया जाएगा, यानी 140 रुपये आपको पेमेंट लिया जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पेमेंट मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा आपको एक नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ आपको रिफ्रेश नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपको मिलेगा क्लाइंट कोड और पेयर नेम, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल कोड और रोल नंबर, उसके बाद आपका अमाउंट, सिंपल इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना फिल कर देना है। तो मैं यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ, और ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फ्रेंड्स मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अपना क्या कीजिएगा, पेमेंट चूज करना है कि किससे पेमेंट आप कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। तो यहाँ मैं, मेरे पास रुपे डेबिट कार्ड है तो मैं रुपे डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं रुपे डेबिट कार्ड पर जैसे ही क्लिक करूँगा हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज फ्रेंड्स, क्या कीजिएगा जैसे ही आप क्या कीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ नीचे आप डेबिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा रुपे डेबिट कार्ड, तो आपको यहाँ आपको डेबिट कार्ड का नंबर फिल कर देना है, उसके बाद कार्ड होल्डर का नेम, और उसके बाद एक्सपायरी डेट, और उसके बाद CVV नंबर जो कार्ड के पीछे होता है 3 अंक का, उसके बाद आपको देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेक नाउ पेमेंट एंड पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा और OTP आपको फिल करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो मुझे नहीं करना है RTI अप्लाई, मैं जो नहीं करना है स्कूटनी का अप्लाई, मैं आपको बस बताने की कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह अपने आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी पैसा खर्च किए हुए और बिना घर से कहीं बाहर जाए हुए। तो दोस्तों आप इस तरह आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आपके जो कमेंट आपने जो किया है उसका रिप्लाई अगर नहीं मिला तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको जो रिप्लाई फास्ट मिल जाएगा। और दोस्तों जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं, किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करके अपना कमेंट दे सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।